नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस बीच बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एकनाथ शिंदे के होश उड़ चुके हैं। यहाँ पर बता दें कि कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे के उसमें एक फैसला सुनाया है, जिसमें कपिल सिब्बल ये कहते नजर आई हैं कि एकनाथ शिंदे को अपनी नई पार्टी बनानी ही पड़ेगी, और उनको जो इस बात का वहम हो रहा है कि वो शिवसेना को अपना लेंगे, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना भी यही है कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना नहीं मिलने वाली है। इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे अब अपनी नई पार्टी बनाने की तैयारी करेंगे। अब उस पार्टी का नाम क्या होगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के मन में कहीं ना कहीं खुशी की लहर दौड़ती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे इस चीज़ का भी जश्न मना रहे हैं कि डीएम से चुनाव में कुछ जगह से उनको जीत मिली है। इस बीच बता दें आपको कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं खुशी मनाते आ रहे हैं डीएम से चुनाव में जीत को लेकर। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अब वो शायद महाराष्ट्र को दोबारा से पा सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास ना कोई पार्टी है और ना ही पार्टी का चिन्ह। विदाउट पार्टी के चिन्ह और विदाउट पार्टी के वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, इस पे कहना अभी थोड़ा सा बेहद ही मुश्किल है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।